हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो देखिए आज हम इसका सिलेबस देखने वाले हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये 2021 का जो नया सिलेबस है, आपको वो देखना है। तो देखिए सिलेबस क्या है कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको क्या करना है इसमें। देखिए यहाँ से जो भी चीज़ दी गई है, रोटेशनल और लर्निंग आउटकम्स पढ़ने के बाद जो आपको क्या समझ में आएगा वो सब चीज़ें इसमें दिया गया है। सजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क, और मतलब क्या क्या इसमें है कि जो आपके जो चैप्टर्स हैं उसमें जो मार्क्स दिए गए हैं, कितने कितने मार्क्स के आ सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इस टॉपिक पर टॉपिक है, टाइम अलॉटेड है, पीरियड, मार्क अलॉटेड, तो ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, 8 पीरियड इसमें लिया जाएगा। उसमें जो मार्क आ सकते हैं, 11% मार्क आने के चांस है इसमें, इस चैप्टर से, ओवर ऑफ डीसी सर्किट। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई, आप देख सकते हैं। तो देखिए और आगे, अब इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, डिटेल कॉन्टेंट। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म सच एज करंट, और क्या क्या चीज़ है, सच एज करंट हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट हो गया, ओम्स लॉ, और इसकी लिमिटेशन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ सीरीज, और इसमें चीज़ें क्या क्या है देख सकते हैं आप, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और विथ दियर वोल्टेज कंडीशन कंसिडरेशन, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो देखिए दूसरा चैप्टर क्या है कि डीसी सर्किट थ्योरम। अब इसमें दूसरा चैप्टर है डीसी सर्किट थ्योरम, इसमें क्या क्या पढ़ना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो तीसरा चैप्टर है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, और एक चौ इसका जो आगे आगे एक चैप्टर है फोर्थ वाला, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, और जो फिफ्थ चैप्टर है बैटरीज, इसमें बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। और इस आगे के देखिए कि सिक्स चैप्टर क्या है, एसी फंडामेंटल, अल्टरनेटिव करंट फंडामेंटल्स, और इसका जो सेवन चैप्टर है एसी सर्किट के बारे में पढ़ना पड़ेगा इसमें। और जो आठवां है वायरस टाइप ऑफ पावर प्लांट के बारे में, कितने प्रकार के पावर प्लांट हमारे होते हैं, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और इसी में देखते इसी के साथ साथ देखते चलिए कि इसका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्या होगा, तो ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विज वोल्ट मीटर, एमीटर, CRO, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर एंड अदर एसेसरीज। तो आपका इसमें जो प्रैक्टिकल होने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 प्रैक्टिकल मिला करके सारे होंगे। अब देखिए विषय सूची क्या है, जो हिंदी वाले छात्र हिंदी में देख लेंगे और जो इंग्लिश वाले छात्र हैं इंग्लिश में देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया गया है इसमें, 1 मिनट दिखा दें आपको यहाँ से, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे क्या है कि डीसी परिपथों का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। इसमें हम डीसी परिपथ का जो है अवलोकन देखेंगे इस चैप्टर में, डीसी परिपथ के परिमेय है अगला चैप्टर। और इसी के साथ तीसरा चैप्टर वोल्टेज एंड धारा स्रोत, वोल्टेज और धारा के क्या क्या स्रोत होते हैं, वोल्टेज और धारा क्या होती है, ये सब चीज़ों का हम फुल बेसिक के साथ, कंसेप्ट के साथ चीज़ों को देखेंगे इस चैप्टर में। और फोर्थ चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर बैटरीज है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट है। इसके बाद आ जाता है आपका प्रयोगात्मक, यानी कि प्रैक्टिकल आ जाता है। फिर इसी के साथ साथ, तो अगर आप ACN की बुक लेते हैं तो इसमें आपको चीज़ें दी गई हैं, बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, हर एक चीज़ दिया गया है, प्रैक्टिकल दिया गया है। तो हमने ACN की बुक से आपको नए सिलेबस के बारे में बताया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।